तो दोस्तों फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। मेरा नाम संजय है। जैसे कि मैं बता रहा था, देखिए सेटेलाइट का जो भी आप मिनी डिश इंस्टॉल करेंगे ऐसा कुछ आना चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये अगर ऐसा प्रोसेस हो गया आपका, जब भी कोई भी सेटेलाइट इंस्टॉल करते हो, मिनी डिश इंस्टॉल करते हो, तो ऊपर का सेटेलाइट से लिंक होने में बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, जो ये पेयर आ गया था, तो ऐसा रहना चाहिए बिल्कुल फ्री। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है आपका मिनी डिश के साथ कोई प्रॉब्लम्स, सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो चलिए एक पुराना डिश को इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टैंड को यू दीवार पे सेटिंग करेंगे। मैं मार्किंग कर लेता हूँ अपना स्क्रू ड्राइवर से, और फिर यहाँ पे ड्रिल मशीन के द्वारा छेद करके यह स्टैंड को दीवार पे चिपका देंगे। फिर अपना डिश को इस पर डाल के सिग्नल ट्रैकिंग करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के कर दे ऑल के निशान पे क्लिक, ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं ये जो इंस्टॉलेशन वीडियो पार्ट टू बना रहा हूँ ये, तो अभी आगे दूसरे वीडियो में और भी बनाऊँगा कि कनेक्टेशन कैसे करें और एक नया डिश को कैसे सेट करें, ये भी बनाऊँगा। तो ये तो छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने सारे छेद वगैरह कर लिया है। अब यहाँ पे जो अपना सेट के साथ ही आता है, ये प्लास्टिक गुटका वगैरह आता है, उसी से इसको डाल देंगे अंदर। डाल के जो उसका स्क्रू आता है इसी के सहारे थोड़ा स्टैंड को सेट कर लूँगा। देखिए इस पर सारे स्क्रू भी कस लूँगा, कस के इस पर ये एक्चुअली आप रेंस के मदद से या फिर स्क्रू ड्राइवर के मदद से करना, क्योंकि हमने तो ये हथौड़े के मदद से काम चला लिया। आप लोग जब भी करो ये आप लोग रेंस या स्क्रू ड्राइवर के मदद से करना, जो पेचकस होता है इसी से करना या फिर रेंस से करना, कोई भी रेंस से। तो मैं स्टैंड को सेट कर लूँगा, सेट करके फिर, लेकिन जब भी आप इंस्टॉल करो तो देखना सामने आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, बाधा कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखिए फिलहाल जहाँ पे मैं कर रहा हूँ यह बिल्कुल फ्री है, ये एक दो मंजिला बिल्डिंग है उसका ऊपर ही कर रहा हूँ मैं। तो इस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आना नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। तो इस पर सिग्नल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ मेरा मैक्सिमम रहेगा। तो इस पर जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। तो मैं कि पुराना डिश को इसीलिए सिलेक्ट किया था कि इतना इसमें कितना मैक्सिमम क्वालिटी में ला सकता हूँ, इसी को दिखाना है आपको। क्योंकि इस पर देखिए केबल भी पुराना हो चुका है, सब कुछ पुराना हो चुका है, थोड़ा बहुत तो इसमें सिग्नल कम आएगा। जितना भी मैं कोशिश करूँगा फिर भी थोड़ा बहुत तो कम आएगा। एल एन बी लगभग ये LNB 8 से 9 साल पुराना हो चुका है, साथ में ये केबल भी है, केबल भी काफ़ी पुराना हो चुका है। कि केबल आपका काफ़ी 5 ईयर्स अगर हो जाए तो केबल में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, सिग्नल थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, लेकिन ये केबल देखिए काफ़ी पुराना है, 8 साल से ऊपर हो चुका है, 8-10 साल का आसपास है ये केबल का। फिर भी मैं इसी में ट्रैकिंग करूँगा, इसी में अगर मुझे लगभग 60% से अबव सिग्नल आ जाए देन मेरा बढ़िया क्वालिटी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसमें 60% से ऊपर ट्रैकिंग करने के। मीटर को मैंने कनेक्ट कर लिया, जो RCB एंड से रिसीवर जो आपका अंदर जो सेटअप बॉक्स है उसी के एंड से आने वाला केबल को भी कनेक्ट कर लिया RCB एंड पे, और LNB एंड को यह कनेक्ट कर लिया। तो एक बार सिग्नल ट्रैक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह होती है, जैसे मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे एक मार्किंग रहता है, देख लीजिएगा आप, 58 डिग्री पे रखना है ये। तो 60 से 2 पॉइंट ऊपर ये आप लोगों को जब भी आप डिश का सामने से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम जो अप एंड डाउन कर रहे हैं इसे डिश को, इसे कहते हैं आपको एलिवेशन, और राइट एंड लेफ्ट में जब डिश को मूवमेंट करेंगे इसे कहते हैं एजीमूथ। और मैं फिलहाल एक टटस्काई कर रहा हूँ, तो टटस्काई का एजीमूथ राइट एंड लेफ्ट साइड में मूवमेंट करना है दोस्तों, इसे 204 डिग्री पे होता है और एलिवेशन 58 पे होता है। देखिए लो जी मेरा सिग्नल आ गया, या देखिए मैं अब सिग्नल चेक कर लेता हूँ एक बार। देखिए मेरा ये सिग्नल आ गया, मैं एक बार सिग्नल चेक कर लेता हूँ, सिस्टम सेटिंग फिर सिग्नल टेस्ट।
देखिए लगभग यहाँ पे मुझे 80% का आसपास सिग्नल मिल चुका है, लगभग 80 का आसपास। ये पुराना डिश है फिर भी इस पर इतना सारा सिग्नल मिल गया, तो एक नया इंस्टॉलेशन करूँ तो 100% आएगा मेरा सिग्नल इसी तरीक़े से अगर सही से करूँगा, कि हम हमेशा करते रहते इसलिए हमारे लिए आसान है, बट आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा अगर नया कर रहे हो तो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बोले, तब तक के लिए जय हिंद।